Hi Pooja, welcome to News 18. It's been an eventful journey now with you. Just wanted to know, what is the first thing that you want to do that you're out of the house now? I want to go home to my cats. मेरी चार बिल्ली हैं जिसके साथ मैं एक घर शेयर करती हूँ बांद्रा में. मैं जाके उनके साथ, वो मेरे जेन मास्टर्स हैं, उनके साथ मैं खामोशी के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती हूँ, अपने स्पेस को एंजॉय करना चाहती हूँ. उसके बाद में मेरा फार्म है एक आदिवासी गाँव के पास, वहाँ जाके अपने गांव वाले के साथ मैं जश्न करना चाहती हूँ. और मेरे स्टाफ को, मेरे आर्मी को बहुत बड़ा पार्टी दूंगी, क्योंकि मैं इस घर में इसलिए जा पाई क्योंकि वो अपने घर छोड़ के मेरे घर को देख रहे थे. सो आई जस्ट वांट टू एंजॉय द साइलेंस फॉर अ व्हाइल. मुझे यू नो व्हाइल यू वर इनसाइड द हाउस, यू नो लॉट ऑफ पीपल आउट देयर वर सेइंग दैट यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ फेवरेटिज्म गोइंग ऑन टुवर्ड्स यू, बिकॉज़ देयर वाज वन क्लिप वेयर दे आल्सो फाउंड अ मोबाइल फोन नेक्स्ट टू यू. Was there anything like that? You can just clarify. Favoritism agar tha to it was towards Abhishek, not towards me. Aur mobile phone Big Boss ke ghar mein, no chance. Mujhe mobile, maine abhi tak mera phone on nahi kiya hai. I think Big Boss ke ghar ne mujhe ek cheez mila ki social media se detox. And you realize ke uski zarurat nahi hai. Hum kahin na kahin apne phone ke piche chipte hain, makeup ke piche chipte hain. Aur हमें बोला जाता है कि यू कांट, जैसे मीडिया को हम अलाउ करते हैं हमारी जिंदगी में, मगर देयर इज एक लक्ष्मण रेखा है जिसे हम मुझे पार नहीं करने देते हैं. ये जो है 200 प्लस कैमरास 24 घंटे आप पे फिक्स्ड हैं, देयर इज नो वे यू कैन हाइड. एंड स्पेशली एट माय एज, यू नो व्हेन यू आर यूज्ड टू के हेयर, मेकअप, फिल्टर्स, बिना इमोशनल फिल्टर, बिना फिजिकल मेकअप, बिना मेंटल मेकअप, बिना इमोशनल मेकअप, आई फेस द कंट्री. एंड आई थिंक आई हैव कम आउट विथ माई हेड हेल्ड हाई, विथ माई स्पाइन इंटैक्ट एंड माई हार्ट ओवरफ्लोइंग, बिकॉज आई थिंक अंदर मैंने बहुत ही गहरे रिश्ते बनाए हैं. एंड फॉर मी, मेरी विक्ट्री वो है. You know, Bhatt Saab had come inside the house and you know he was there. और मुझे लास्ट मिले, सबके साथ उन्होंने वक्त बिताया. He met me last. Yeah. But you know, the social media was always known to be very brutal. They again targeted him for, you know, being inappropriate with the girls that were there inside the house. मैं एक चीज जान गई हूँ कि आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे आप होते हैं. तो अगर लोगों को महेश भट्ट का बिहेवियर बिग बॉस के घर में इनअप्रोप्रिएट दिखा, तो शायद उनके माइंड्स इनअप्रोप्रिएट हैं. That's all I want to say. I think contestants ने खुद महेश भट्ट के साथ टाइम मांगा, मनीषा रानी ने स्पेशली. मुझे इनफैक्ट सबसे कम टाइम मिला उनके साथ में. और अगर लोग दुनिया को ऐसे देखते हैं, मैं हर किसी को समझाने नहीं आई हूँ. आई थिंक मैंने अपने 15 कंटेस्टेंट्स को बहुत समझाया इस घर में. और आई थिंक कि अगर मैं कुछ चेंज करना चाहूँगी तो लोग, सलमान ही मुझे बोलते थे कि थोड़ा और लाइटली लो यार, तो शायद मैं समझाती कम और बजाती ज़्यादा, क्योंकि वही हमारा टैगलाइन था ना. तो आई थिंक इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, वी मेक व्हाट वी आर, वी सी द वर्ल्ड एज वी आर, नॉट एज इट इज. सो गुड लक टू जिनके नज़रिया ऐसे हैं, उनको अपनी नज़रिया मुबारक. और उनके जो नज़रिया ऐसे नहीं हैं, तो देन गुड लक टू देम टू. Alia was cheering for you while you were inside the house. You know, she was constantly supporting you. What do you have to say about that? Well, did you speak to her before? No, I have not spoken to anybody. Main bahar aayi hu aur hamara abhi winner Elvis was announced. Iske liye I was thrilled because main chahti thi ki trophy unke haath mein jaye. And ab main apna phone on karungi jab bhi aap mujhe thoda chutkara denge. Maine phone on hi nahi ki. And I don't think ki shayad main next 24 ghante ke liye on karungi. And social media detox, thanks to Big Boss. Learning to live with ration, learning to live with a lot less, no television, no music. Subah subah utho, so nahi sakte. I think ek baar meri aankh lag gayi jab kukru poo baja. But I think age aur energy ka kuch lena dena hai nahi, wo maine prove kar diya hai. I survived and I kept the 50 plus flag high. And it just proves that age is just a number. And it's a great, great experience. तो मैं अपने contemporaries को बोलूंगी कि come taste life for a change. Big Boss आपको एक chance देती है जिंदगी को परखने के लिए, जिंदगी को छूने के लिए. Fiction की दुनिया में जो हम छुपते हैं ना, वो कभी कभी कम पड़ जाता है. तो I am just delighted and very grateful. Thank you so much.